तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात थी क्या मेरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। जरा उठाइए अपने हाथों को, वाकई भगवान से बड़ी महफिल और कोई भी नहीं है, और आज उसी की महफिल में बैठे हम लोग। यह हनुमान जी की कहावत है, ये श्याम बाबा की कहावत है, और हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, इसलिए उठाइए अपने हाथ। हरि बोल, जय हो, हरि बोल। सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, ओ, 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 ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। हरि बोल, जय हो, राधे। आइए सभी जय हो, हरि बोल। कुछ मिले ना मिले तो नहीं, मेरी तनख्वाह कोई कम नहीं, कुछ मिले ऊंची है सबसे बड़ी, हो गई शान ऊंची मेरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। असीहानो कर बाबा तेरे दरबार में, असीहानो कर बाबा तेरे दरबार में, ओ तेरे दरबार दे, तेरे दरबार दे, तेरे दरबार में, तेरे दरबार के, तेरे दरबार दे, तेरे दरबार दे, तेरे दरबार के,
तेरे दरबार में जी तेरे दरबार दे तेरे दरबार दे तेरे दरबार में तेरे दरबार में तो है ना पर बाबा तेरे दरबार दे असी हनो पर बाबा तेरे दरबार में असी हनो पर बाबा तेरे दरबार में हम तो है नो पर बाबा तेरे दरबार में तेरे दरबार दे तेरे दरबार तेरे दरबार के 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 हम तो है नौकर बाबा तेरे दरबार ओ हम तो है नौकर बाबा तेरे दरबार तेरे दरबार भाई तेरे दरबार के बाबा तेरे दरबार के बाबा तेरे दरबार के जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिनाम हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिनाम हो गया वरना औकात थी क्या मेरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी ओ, 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 ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी मेरे मालिक सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से औकात थी क्या मेरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी ओ, 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 ओ मेरे मालिक सबसे ऊंची है सबसे बड़ी मेरे मालिक सबसे बड़ी बोले भागवत महापुराण की जय व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री बालाजी महाराज की जय श्याम बाबा की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री द्वारिकाधीश की जय परम मंगलमय परत परक्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछकलप्तरु तड़िदिति विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रिय बंधुवर्ग मात्र शक्तियों एवं कथानुरागी बंधु आइए आपको ले चलते हैं भागवत के उस व्याख्यान की ओर भागवत की उस संहिता की ओर या उस कथा की ओर जो अपने आप का मूल्यांकन करवाए जो अपने बारे में बताए और कोई मैं ही नहीं कह रहा हूं ये भगवान भी अपने मुख से कह रहे हैं ये बात कि ये प्रेम शास्त्र है ये संतों की संहिता है इसमें भक्तों की व्याख्या की है वो भी किसने भगवान ने न कि इंसान यदि इंसान के द्वारा ये बनाई गई होती तो
तो आज न जाने कितने प्रवक्ताओं ने इसको कहा होगा और कितने श्रोताओं ने इसको सुना होगा। तो ये धीरे धीरे कम होती चली गई होती, क्योंकि इंसान जो बात कहता है या जो काम करता है वो धीरे 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 विनाश की ओर चला जाता है। लेकिन भगवान जो काम करता है या भगवान जो कहता है उसका ना तो कभी विनाश होता है और ना वो चीज कब कम होती है मेरे भाई, वो बढ़ती ही चली जाती है। तो इस घटने का तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो दिनों दिन बढ़ती गई, न जाने इसमें कौन से फूल पिरोए गए, न जाने कितने प्रवक्ताओं ने कहा होगा और कितने श्रोताओं ने सुना होगा। इसकी खुशबू कभी कम नहीं हुई, इसकी खुशबू निरंतर बढ़ती ही चली गई मेरे भाई, वो घटी नहीं आज भी। और जरूरत है हमारे देश को इन चीजों की। जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन चीजों की जरूरत ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि ये चीजें यदि हमारे पास नहीं होंगी तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा भैया। और आज तो देश उस बारूद के ढेर पर बैठा है। भाग्यवान हो वो इंसान सुबह घर से निकले शाम को सलामत आ जाए, दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान पुरुष है। अन्यथा कोई विश्वास नहीं कि सुबह निकला हुआ आदमी शाम को सलामत आ जाए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यदि आप नदी पार करना चाहते हो, कोई समुद्र पार करना चाहते हो और किनारे लगने से पहले पहले यदि नाव डूब जाए तो क्या फायदा फिर ऐसा? हाँ, हमारे साथ भी वही हाल है। ये शरीर हमें एक नौका की तरह मिला है और संसार एक समुद्र है, संसार एक नदी है, और सुख और दुख उस नदी के दो किनारे हैं। और इन किनारों के बीच से, उस किनारे से लेकर उस किनारे तक यदि सलामत निकलना चाहते हो तो इसका सहारा लीजिएगा, और यदि बीच में ही डूबना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। क्या? अरे अभी आगे मत करो, मैं कर दूंगा अपने, तुम बैठाते रहो उधर, जगह पड़ी है, तुम तो बस इतना करो कि पीछे आने वाला आगे ना आए, उसको पीछे बैठो बस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कम से कम किनारे लगने से पहले पहले, अर्थात आगे ये कहिए कि नाव डूबने से पहले पहले इतना तो जान लो कि मैं क्या करने आया हूं यहां। अरे ज्यादा नहीं जानते, कम से कम इतना तो जान लो कि हम क्या करने आए हैं यहां। यदि यही दुनियादारी करने आए हो, बाल बच्चे पैदा करने आए हो, दुकान मकान बनाने आए हो, तो हमसे अच्छे हैं वो पशु, हमसे अच्छे हैं वो जानवर। हाँ, मैं तो ये कहूंगा हमसे अच्छे वो गंदगी खाने वाले हैं, ठीक है ना? कौन? सुअर आदि। क्यों? क्योंकि तुम तो एक बच्चा पैदा करते हो, तो एक एक बार में दस दस पैदा कर देती है। नहीं, यदि बच्चे पैदा करने वाला ही बड़ा है तो वो हमसे बड़े हैं, यदि खाने पीने वाला ही बड़े हैं तो हम तो पता नहीं थोड़ा बहुत खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हाथी न जाने एक बार में कितना खा जाता है, तो हमसे मान हो हुआ क्या? और यदि लड़ना झगड़ना ही जिंदगी मानते हो तो देख लो एक बार, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की गली में चला जाए, आहा, फिर देखना फिर क्या मुकाबला होता उनका। नहीं, बल्कि कभी कभार जब हम तुलना करने लगते हैं तो हमसे अच्छे वो लगते हैं। कौन? पशु। कैसे? वो तो सूखा घास फूस खाकर मीठा दूध देते हैं, और वो अपना दूध खुद भी नहीं पीते हैं, अपने बछड़े को भी अपने कटड़े को भी थोड़ा सा पिलाते हैं। गाय या भैंस पहनाई और बछड़े को या कटड़े को उठा करके बांध देते हो, है ना? उस दूध को जो बाकी बचता कौन पीता है? आप लोग ना, है ना? वो सूखा घास फूस खाकर मीठा दूध देता है, वो भी बांट करके सबको देता है, और हम क्या करते हैं?
हलवा पूरी खाकर भी दूसरे के अंदर कमियां देखते, दूसरे की निंदा और चुगली करते, तो कौन अच्छा हुआ? बोलो, हलवा पूरी खाने वाला या घास खाने वाला? हाँ, तो इसलिए जरूरत है इस कथा की, इसलिए जरूरत है भागवत की, इसलिए जरूरत है रामायण की, इसलिए जरूरत है संत की। ये तुम्हें इतनी देर तक तो विषय और विकारों से दूर रखेगा जितनी देर तुम यहां बैठो। सब दुनियादारी से खींच करके तुम्हें इधर बैठा देगा वो। यदि तन के साथ साथ मन भी लेकर आए होगे तो वो दूसरा दावा भी करता है, क्या? कि यदि तुम तन के साथ साथ में मन भी यहां लेकर के आए हो तो तुम्हारे मन रूपी कैसेट में ऐसी भागवत के गीतों को भर देगा कि तुम सारी जिंदगी उसके नशे से दूर नहीं जा पाओगे। बसरते तुम्हारे तन के साथ साथ में मन भी, क्यों? क्योंकि यदि इंसान को कैसेट सुननी हो तो टेप रिकॉर्ड का एक बटन दबाना पड़ता है प्ले का, है ना? और यदि रिकॉर्ड करनी हो तो, बोलो ना, यदि रिकॉर्डिंग करनी हो तो, अरे बोलो ना, दो बटन दबाने पड़ते, है ना? ठीक इसी तरह हमारा शरीर एक टेप रिकॉर्ड की तरह है मेरे भाई। यदि सुनने आए हो तो शरीर ठीक है, इस कान से सुना उससे निकाल दी, ये तो केवल पले तक सीमित है। लेकिन यदि रिकॉर्डिंग करनी है तो मन रूपी बटन भी दबा के रखिएगा, ये उसको भागने मत दीजिएगा। और यदि तुमने वो बटन सही तरह से दबा करके रखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसी मेरी ठाकुर की मीठी मीठी रसना या मीठी मीठी अमृत की बूंदें अंदर गिरेंगी जाकर के, तुम सदा के लिए निहाल हो जाओगे मेरे भाई, मस्ती छा जाएगी तुम्हारी जिंदगी। इसलिए शास्त्र कहता है विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा श्रद्धा, भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा, प्रेम बढ़ाओ और संतन की सेवा हो, इसलिए जरूरत है। कल आप लोगों ने भागवत का पहला श्लोक सुना कि हम नमन का नमन करें सभी को, क्या? हम प्रणाम करें सभी को। अरे भाई थोड़ा सा, थोड़ा मीठा मीठा इको बढ़ा दीजिए, थोड़ा मामूली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विषय विकार पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा श्रद्धा, भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा, प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा हो, और भागवत का दूसरा श्लोक भी यही कह रहा है। यहां हम और आप गा रहे हैं आरती में, और भागवत के दूसरे श्लोक में भगवान गा रहे हैं। इंसान नहीं भगवान, यहां तो तुम गा रहे हो वहां भगवान पीछे पीछे भाग रहा है। और कितने छोटे संत के, मात्र 16 साल के, क्या कहता हुआ? यम प्रवर्जंत मनोपेतम अपेति कृत्यम दीपायनो विरह का तरह, पुत्रे तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो
मुनि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहा भगवान? क्यों? ये ऐसा संत है जो कृत कृत्य है, कृत कृत्य नहीं पूर्ण कृत्य है, जिसका कोई भी संस्कार बकाया नहीं, जो माँ के पेट से निकलता ही प्रौढ़ हो गया और नालच छेदन हुआ भी नहीं, जो जंगल की ओर भाग पड़ा। और भगवान कह रहे हैं बेटा थोड़ी देर तो रुक जा, कम से कम तेरे को देखूं तो सही। अरे इतना प्यारा पुत्र मिला, इतना सुंदर पुत्र मिला और वो भी पैदा होते ही चल पड़ा, एक बार थोड़ी देर तो रुक जाओ। व्यास भगवान बार बार करे एक बार रुक जाओ, कम से कम थोड़ी देर तो देख लूं। हाँ बेटा कह करके पुकारे, अरे बेटा रुक जाओ, हाँ बेटा रुक जाओ, अरे एक बार ढंग से देख तो लूं। इधर से व्यास भगवान बेटा कह रहे हैं और उधर से वो संत उसको बेटा कह रहे हैं, बताइए किसका रिश्ता बड़ा हुआ? इसलिए भलाई इसमें वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि आपका हमारा जीवन पैसों की भांति है, नोटों की भांति है। नोट जिसकी जेब में गए उसने छाती से लगाया, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, मेरा धन। लेकिन जरा विचारो तो सही, ये कब से एक दूसरे से नाता जोड़ते और तोड़ते हुए आ रहे, कभी सोचा आपने क्या? ये कब से नोट आ रहे हैं और जा रहे हैं, किस किस की जेब में गए हैं, कब विचार करते हो? क्या पड़ी है, तुम तो पैसा मिला और काम चीज में खर्च करो, यूं हिसाब किताब कौन लगाए, किसके पास इतनी फुर्सत है, है ना? निंदा चुगली के लिए फुर्सत आप लोगों के पास, है ना? दूसरे में कमियां लगाने के लिए फुर्सत आप लोगों के पास, गाली गलौज करने के लिए आप लोगों के पास, है ना? उल्टे सीधे काम करने के लिए फुर्सत है आप लोगों के पास? पिक्चर देखने के लिए फुर्सत है आपके पास? नाटक देखने के लिए फुर्सत है जो काल्पनिक है, सच नहीं है, जो कल्पना से बने हुए हैं। और यदि कल्पना का सहारा लेगा तो तुम भी तो काल्पनिक हो जाओगे, तो काल्पनिक। और यहाँ सच का यदि सहारा भी लेगे तो सास्तिक बात कहता, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। यदि सच्चाई का तुम सहारा भी लेते चले जाओगे तो धीरे 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 एक दिन तुम भी सच में ही बदल जाओगे। तुम लो तो सहारा, और यदि कल्पनाओं का सहारा लोगे एक दिन तुम्हारी सच्चाई भी धीरे 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 कल्पना में ही बल जाएगी और वो झूठ भी तुम्हें सच लगने लगेगा। क्या? वो झूठ भी तुम्हें सच लगने लगेगा क्योंकि तुम्हारी आदत हो जाएगी, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। इसलिए कह रहे हैं मुनि सुखदेव, व्यास जी वापस चले जाइए। क्या? क्या तेरे मेरे मेरे में बहुत फर्क है? और ऐसा कह करके फिर चल पड़े, लेकिन नहीं रुके व्यास जी। फिर भी हा बेटा हा पुत्र, हे मुनि सुखदेव रुक जाओ एक बार। नहीं रुके, दूसरा चमत्कार दिखा दिया। क्या? आगे किसी तालाब के अंदर कुछ युवा स्त्रियां स्नान कर रही थी, इसलिए व्यास के बेटा निकल गए यहां से नौजवान। किसी स्त्री ने कपड़े नहीं पहने, वो आराम से स्नान करती रही। और व्यास भगवान जब वहां से निकलने लगे सभी ने दौड़ करके कपड़े पहन लिए। क्या? व्यास ने देखा रे ये बड़ा उल्टा कर्म, मेरा नौजवान बेटा निकल गया उसको देखकर इन्होंने कपड़े नहीं पहने और मैं इनके पड़पड़ बाबा के समान मेरे को देखकर कपड़े पहन लिए। इसलिए व्यास वापस मुड़े और उन लड़कियों के पास गए और कहने लगे बेटा एक बात कहूं। लड़कियों ने कहा हां बाबा एक क्यों दो कहो। कहा बेटा मैं ये जानना चाहता हूं मेरा बेटा निकल गया यहां से, आप लोगों ने कपड़े नहीं पहने और मैं तुम्हारे पड़पड़ बाबा के समान मैं आया तो आप लोगों ने दौड़ के कपड़े पहन लिए क्यों? कहा बस बाबा आप में और आपके बेटे में यही फर्क है। क्या फर्क है? तुम जानते हो हम लड़की हैं कि लड़के हैं, और मेरा बेटा वो तो ये भी नहीं जानता कि ये लड़की हैं कि लड़के हैं। वो तो जानता है सर्वे अमृतस्य पुत्रा, सारे ही भगवान के रूप हैं और भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। और जिसे तुम लड़का लड़की के रूप में देख रहे हो ये तो मिट्टी है। क्या? ये तो मिट्टी है, एक प्लास्टिक का कारखाना है उसमें गुड्डा भी बन रही है और गुड्डी भी बन रही है, नहीं हाथी भी बन रही है और हथनी भी बन रही है, घोड़ा भी बन रही है और घोड़ी भी बन रही है। हाँ
क्या मिठाई के खिलौने बनाते हो? उसमें देखा ना, गणेश जी भी बन रहा है और माँ दुर्गा भी बन रही है। हाँ, मैं किसी के घर गया तो दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, एक बेटा एक बिटिया। मैंने कहा बेटा क्यों लड़ रहे हो? कहने लगे बाबा जी ये मेरे दुर्गा जी को खा गया। ले, मैंने कहा दुर्गा जी को खा गया? हाँ, दूसरे ने आकर नहीं 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 बाबा जी ये मेरे गणेश जी खा गए। मैं कहा वो भी कोई खाने वाली चीज है? करे आओ दिखाएं। वो जाकर के देखा तो मिठाई के बने हुए थे, है ना, है तो एक ही चीज के वो बने हुए, उन्होंने नाम रख दिए, वो मिठाई ही है। ठीक इसी तरह तुम मिट्टी के पुतले ही है। इसमें कौन स्त्री कौन पुरुष ये तुम्हारी सोच है। तुम्हारे अंदर सबके रूप में एक ही स्वरूप बैठा है। देखिए क्यों, जब तुम्हारी हवा एक, तुम्हारी मिट्टी एक, तुम्हारा आकाश एक, तुम्हारी आग एक, तुम्हारा पानी एक, तुम्हारा भगवान अलग अलग कैसे हो सकता है? तुम्हारी आत्मा अलग अलग कैसे हो सकती है? फिर हम अलग क्यों मानते हैं? क्योंकि तुम्हारी भेद बुद्धि हो गई। क्या ये बंटवारा कर दिया तुम लोगों ने? क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास सही नहीं, हमारी आदत खराब हो, ढंग से इन कथाओं को सुन नहीं रहे हैं। सुन सुनाकर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम आगे चल ही नहीं पा रहे। और चलते चलते क्या हुआ जब मरी न मन किया, जो को लूका पहलिया हरि को से बचा। इसलिए कह रहा हूं इन चीजों से ऊपर उठ करके आए, आइए संतों के पास चले। कहां? नैमिष की भूमि में। क्यों? क्योंकि वहां, यहां तो एक ही संत था, 88,000 बैठे। क्या